Hello dear students. Now today's our topic is graph. This topic is very important for the different competitive exam as well as your board exam. क्योंकि अगर मुझे physics का question paper थोड़ा सा भी tough करना है तो मैं ये graphical question पूछ लूंगा और बहुत सारे बच्चों को graphical question में बहुत सी दिक्कत होती है. So this topic is very essential for whole student to understand. Okay, ठीक है. चले हम different graph के characteristic और वो क्या बताना चाहते हैं उसकी आगे बात करेंगे. ठीक है, we are starting our first graph. Okay, so starting with our first graph, if a graph is concave up या कर्व्ड अपवर्ड द स्लोप इज इंक्रीजिंग. यहाँ पर जो आपका ग्राफ है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, हियर दिस पॉइंट इज योर ओरिजिन. नाउ इफ इट इज कॉनकेव अप तो ये आपका इंक्रीजिंग स्लोप हो गया, तो मतलब यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है. ओके, सेम वे इफ अ ग्राफ इज कॉनकेव डाउन या फिर कर्व डाउनवर्ड दिस स्लोप इज डिक्रीजिंग. सी दिस इज योर ग्राफ, ऑलराइट, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, हियर द स्लोप इज डाउनवर्ड, सो डिक्रीजिंग स्लोप. थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ, इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन द स्लोप इज कॉन्स्टेंट. हियर यू कैन सी this is your x axis, this is your y axis. Okay, now the graph is a straight line, this is called the straight line graph. Here okay, for that स्लोप इज कॉन्स्टेंट, मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लो और वहां पर स्लोप फाइंड करोगे तो आपको ऑलवेज जो स्लोप है वो सेम मिलेगा. सो हियर स्लोप इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, नाउ आई एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ द ग्राफ. ठीक है, यहाँ पर ऐसे मैंने दो पॉइंट कंसिडर किए, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी. ठीक है, अभी क्या करने का, तो अभी यहां से दोनों पॉइंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का. देखो मैंने इस तरह से कनेक्ट किया. ओके, हियर आप ये जो बी पॉइंट है इसको सबसे पहले यहां पर कनेक्ट करो और ये पॉइंट को यहां पर कनेक्ट करो. सो ये हो गया आपका फाइनल वाई टू, ये हो गया आपका इनिशियल वाई वन. उसी तरह से ये पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज सी, इसको यहां पर कनेक्ट करो, और ये पॉइंट है ए, इसको यहां पर कनेक्ट करो. तो ये पॉइंट आपका एक्स टू, ये पॉइंट आपका एक्स वन. ठीक है, स्लोप फाइंड करने के लिए आपको टेन थीटा लेना पड़ेगा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो इस तरह से आप स्लोप निकाल सकते हो. ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. ओके, इसमें यहां पर आपने दो पॉइंट कंसिडर किए, ए और बी. ठीक है, स्लोप कैसे निकाला, तो बी वाला जो पॉइंट है उसको यहां पर कनेक्ट कर दिया, that is on y axis, and that particular point is known as y2. same way यहां पर जो point था इसको connect किया तो ये हो गया आपका y1. ठीक है, उसी तरह से ये जो c वाला point था इसको नीचे connect किया, that is your x2, और ये जो a वाला point था उसको connect किया, that is your x1. okay, तो ये जो आपका slope constant है इसका meaning आप कहीं पर भी point ले लो. ठीक है, और उसके लिए टेन थीटा फाइंड करो, आपको टेन थीटा की वैल्यू ऑलवेज सेम मिलेगी, तो इसको बोलते हैं स्लोप कॉन्स्टेंट. ठीक है, टेन थीटा कैसे फाइंड किया जाता है, सो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करोगे तो आपको स्लोप मिलेगा. ठीक है, यहां पर आपका जो स्लोप मिलेगा टेन थीटा दैट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इस तरफ है. ओके, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, this is your increasing graph. same way हम यहां पर fourth question, fourth type of graph की बात करने जा रहे हैं. okay, the general equation of straight line is y is equal to mx plus c. ये आपका straight line का equation है, where m is the slope of line
m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा कैसे फाइंड करना है वो अभी हमने आगे सीखा। एंड c इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। सो ये आपका x वर्सेस y ग्राफ, ठीक है, और ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया जिसका इंटरसेप्ट है ये वाला c। दिस इज योर इंटरसेप्ट c, यहाँ पर एंगल बना थीटा। तो थीटा कैसे फाइंड किया जाता है, थीटा इज इक्वल टू दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा, और यानी ये आपका स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ के कुछ डिफरेंट हम कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ए, इफ m इज पॉजिटिव, मतलब कि स्लोप अगर पॉजिटिव है, यानी कि आपका जो एंगल है थीटा दैट इज जीरो से ज्यादा और 90 से कम है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देन लाइंस विल बी ऑफ द टाइप, ये इस तरह से कुछ लाइंस होगी। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ऑलराइट। ठीक है, तो ये आपकी ग्राफ्स हो गए, यानी ये आपकी लाइंस हो गए। ठीक है, यहाँ पर एंगल थीटा बना, तो ये आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, उसी तरह से सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं। इफ m इज नेगेटिव, मतलब कि आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम है, देन लाइंस विल बी ऑफ द टाइप ये वाला, ये जो नीचे ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होगा x, ये आपका y। यू कैन सी हियर थीटा, ये जो आपका थीटा है वो एंगल ग्रेटर देन 90 है। ऊपर देखो आप, ये वाला थीटा जो है वो लेस देन 90 है, और यहाँ पर एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 है। सो थीटा ग्रेटर देन 90 के लिए आपका tan, यानी कि जो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगा। नाउ अभी हम इसका थर्ड समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इफ c इज पॉजिटिव, दैट इज द इंटरसेप्ट एज वी नो, देन लाइन्स विल कट y एक्सिस अबोव द ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन्स है वो y एक्सिस को अबोव द ओरिजिन कट करेगी, आइदर दिस साइड और लाइक दिस। तो ये आपके दो डिफरेंट ग्राफ हो गए उसके लिए। देखो यहाँ पर आपका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट c है। तो आप यू कैन क्लियरली सी दैट आपका जो ये ग्राफ है, लाइन है, वो ओरिजिन से अबो है और y एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, सेम वे यहाँ पर आप चेक करो, देखो ये वाला y एक्सिस, ये वाला x एक्सिस, यहाँ पर c इज योर इंटरसेप्ट विच इज अबो द ओरिजिन, और ये y एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, चलिए इसमें फोर्थ केस की बात करते हैं, यानी कि फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। इफ c इज नेगेटिव, यानी कि आपका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, देन द लाइंस विल कट y एक्सिस बिलो द ओरिजिन। अगर c पॉजिटिव है तो अबोव द ओरिजिन, और अगर नेगेटिव है तो बिलो द ओरिजिन। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी स्ट्रेट लाइन, ये आपका इंटरसेप्ट। सो ये जो इंटरसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पर c नेगेटिव है क्योंकि ये लोअर साइड है और y एक्सिस को नीचे से काट रहा है। ऑल राइट, हियर इन अदर वर्ड, और करके आपने देखा, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर इंटरसेप्ट c। तो यहाँ पर y एक्सिस को बिलो द ओरिजिन उसने कट किया, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ उसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। इफ c इज इक्वल टू जीरो, यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो है, देन द लाइन्स विल पास थ्रू द ओरिजिन, मतलब c जीरो है तो वो ओरिजिन में से पास होगा लाइक दिस। ओके, और लाइक दिस, ऑल राइट। यहाँ पर आपका स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आपका स्लोप है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ के रखना, क्योंकि यहाँ पर एंगल ग्रेटर देन 90 है और यहाँ पर एंगल लेस देन 90 है। चले ठीक है, फिफ्थ ग्राफ दैट इज द पैराबोलिक ग्राफ। जब पैराबोलिक ग्राफ जो होता है उसका आपके पास एक इक्वेशन होता है, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, ओके, या फिर 4ax। ये आप मैथ्स वाले होंगे उनको ज्यादा अच्छे से, क्योंकि एक पूरा चैप्टर आता है इसलिए उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो बाकी के स्टूडेंट हैं हमारे बायोलॉजी वाले, ये सिर्फ याद रखे, ये जो इस तरह का ग्राफ होता है उसको पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, उसका जनरल इक्वेशन होता है दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स,
मतलब कि अ पैराबोला पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ओपन राइटवर्ड, ठीक है, इसको बाहर की तरफ खोला गया है। ओके, इट्स केस नंबर बी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, अ पैराबोला पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ओपन लेफ्ट वर्ड, यानी कि इस तरह से बराबर लेफ्ट साइड में, जैसे कि आगे के क्वेश्चन में हमने देखा यहाँ पर, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर था, अभी आप देख रहे हैं ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अभी इसका इक्वेशन चेंज हो गया, देखो आप अभी तक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स था, अभी इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, जो कि पॉजिटिव है। सो अब पैराबोला पासिंग थ्रू दी ओरिजिन एंड ओपन अपवर्ड, यानी कि ये ऊपर की तरफ खुलेगा, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई, नेगेटिव है, सो नेगेटिव होने की वजह से वो डाउनवर्ड चला जाएगा। अब पैराबोला पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ओपन डाउनवर्ड, ठीक है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा नीचे से। तो टोटल चार पैराबोलिक इक्वेशन पॉसिबल है, आइदर ओपनिंग ऑन राइट साइड और ओपनिंग ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके लिए इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस के एक्स हो जाएगा, उसके लिए आपका इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस के एक्स हो जाएगा। अगर इस तरह से या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड खुलता है, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस के वाई हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल कर्व या फिर एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, ये आपके डिफरेंट ग्राफ्स है। दिस इज योर एक्स ग्राफ, सॉरी दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, सो ग्राफ इज सडनली गोइंग टू डिक्रीज लाइक दिस, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल डीके, दिस ग्राफ शोज यू एक्सपोनेंशियल डीके, ठीक है। कर्व, दिस ग्राफ इज नोन एज एक्सपोनेंशियल डीके कर्व, इसको याद रखिएगा। उसी ग्राफ के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्राफ का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज वाई इक्वल टू वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ओके, यहाँ पर आप देखो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और धीरे 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 इंक्रीज हुआ और फिर ये कहीं एक जगह पर स्टेडी हो रहा है, मतलब कि कॉन्स्टेंट हो रहा है, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ। ना अभी ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो अभी जो आएगा दैट इज सर्कल, ठीक है। सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्कल का जो सेंटर होता है दैट इज जीरो जीरो, क्योंकि सर्कल टू डायमेंशनल है, और सर्कल का जो रेडियस होता है दैट इज ए। तो यहाँ पर आपको सर्कल दिखाया गया है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, दिस इज योर ओरिजिन दैट इज जीरो जीरो, सर्कल से ये वाला डिस्टेंस a, सर्कल से ये वाला डिस्टेंस भी a, तो ये आपका रेडियस हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट इलिप्स, ठीक है। अभी ये इलिप्स क्या होता है, इसको समझने के लिए हम स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर नंबर 8 में जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। सन के आसपास बराबर जितने भी प्लैनेट्स है वो जिस टाइप की मोशन करते हैं दैट इज दी इलिप्टिकल मोशन, ठीक है। इलिप्टिकल मोशन कुछ इस तरह से होती है, इलिप्टिकल मोशन कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि एग, आपने एग का शेप देखा होगा, ठीक है, दोनों तरफ से थोड़ा सा चपटा है और बीच में से थोड़ा सा बड़ा है, तो दैट इज दी इलिप्टिकल शेप, तो ये आपका इलिप्टिकल शेप हो गया। और इलिप्स का जो इक्वेशन होता है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन, वेयर ई ग्रेटर देन बी।
ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ऑलराइट, दैट इज 2a, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 2a, उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। फिर यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं 2b, दैट इज द माइनर एक्सिस। ठीक है, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो सेमी मेजर एक्सिस, यहां से यहां तक की बात करूं तो सेमी मेजर एक्सिस, यहां से यहां तक की बात करूं तो सेमी माइनर एक्सिस, यहां से यहां तक की बात करूं तो भी सेमी माइनर एक्सिस होता है। सो एज आई टोल्ड यू, 2a इज इक्वल टू मेजर एक्सिस, 2b इज इक्वल टू माइनर एक्सिस। ओके, एसेंट्रिसिटी e, दैट इज इक्वल टू, उसका इक्वेशन होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। फॉर एलिप्स e ऑलवेज लेस देन 1 होता है। ठीक है, उसका फोकस s इज इक्वल टू प्लस ए ई जीरो, एस डैश इज इक्वल टू माइनस ए ई जीरो। यू कैन क्लियरली सी हियर, ये आपका s है तो उसके लिए ए ई जीरो, और ये आपका s डैश है दैट इज माइनस ए ई जीरो। e इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, a इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, और एरिया ऑफ एलिप्स दैट इज पाई इंटू ए इंटू बी, इस तरह से एरिया ऑफ द एलिप्स दिया जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट द हाइपरबोला। सो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका हाइपरबोला का ग्राफ है। ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ओरिजिन 0 0, और आपका जो हाइपरबोला है वो कुछ इस तरह से बाहर की तरफ इस तरह से बनेगा, दैट इज कॉल्ड द हाइपरबोला। ओके, नाउ द लास्ट वन, दैट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके लिए इक्वेशन एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y और एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो तब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है जिसका कुछ कर्व इस तरह से होता है, इनिशियली डिक्रीज, ठीक है, और फिर इस तरह से कॉन्स्टेंट हो जाएगा। पहले देखो यहां से डिक्रीज होगा, फिर धीरे धीरे जाके यहां पर ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जीरो नहीं हो रहा है, तो दैट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट स्केचेस ऑफ सम स्टैंडर्ड कर्व्स। उसमें सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेट लाइंस के बारे में। तो स्ट्रेट लाइंस में देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज योर ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन बन रहा है कुछ एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, यानी एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ए ग्रेटर देन जीरो। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मिलेगा, एक्स इक्वल टू ए दैट इज द पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू एक्स। याद रखिएगा, अगर एक्स इक्वल टू कोई इक्वेशन दिया है तो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। सेम वे अभी अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पर आपका जो लाइन है उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू प्लस और माइनस b बना। अच्छा, तो y इक्वल टू प्लस और माइनस b है, यानी कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगी। नाउ अभी हम जिस ग्राफ की बात करने जा रहे हैं, दैट इज y इज इक्वल टू प्लस और माइनस x ग्राफ, यानी कि y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू माइनस x। तो ये ग्राफ कुछ as shown in figure ड्रॉ किया जा सकता है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स है, इस वजह से ये ओरिजिन से पास होगा। अच्छा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, सो वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये वाला नीचे डिक्रीजिंग में है इसलिए वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये आपका ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन के बारे में। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसमें इक्वेशन x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू बी,
और सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू ए वेर ए इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी सेम होंगे तो इसको एलसीएम ले सकते हैं, यानी x प्लस वाई अपॉन ए, सामने वन है तो नीचे से ऊपर लेके जाओ तो ये इक्वेशन बनेगा। सो इसका ग्राफ कुछ यहाँ पर दिखाया गया है उस तरह से बनेगा, दिस इज योर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओके स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, और ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है क्योंकि इसका जो स्लोप है ठीक है वो नेगेटिव मिलेगा, सो ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है। यहाँ पर ये पॉइंट पर जीरो भी, ये पॉइंट पर ए जीरो, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल ए है, सो ये पॉइंट पर सिर्फ एक्स एक्सिस होने की वजह से ए, वाई एक्सिस जीरो ठीक है। यहाँ से मैं अगर बी पॉइंट पर चलता हूँ तो यहाँ से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है स्मॉल बी, इसका एक्स एक्सिस नहीं होने की वजह से जीरो और वाई एक्सिस के लिए बी हो जाएगा। नाउ अभी हम बात करने जा रहे हैं साइन फंक्शन के बारे में। सो साइन फंक्शन के लिए इक्वेशन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स बनेगा, दिस इज योर एक्स वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस ठीक है। साइन फंक्शन की शुरुआत ऑलवेज ओरिजिन से होगी ठीक है, ये इस तरह से निकल के यहां तक पहुंचेंगे, सो ये आपका पूरा वन साइकिल कंप्लीट हुआ ठीक है। जीरो यहां तक का पाई, यहां तक का टू पाई ठीक है, ये जो है दैट इज योर पाई बाय टू। अच्छा अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये हो जाएगा थ्री पाई बाय टू ओके, तो ये आपका ग्राफ हो गया। तो ये आपका साइन कर्व दिखा रहा है, कोसाइन कर्व दैट इज वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स ओके। अभी यहां पर ग्राफ के लिए ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस ओके। साइन एक्सिस और वाई कोसाइन सॉरी साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है, साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से शुरू होता है जबकि कोसाइन फंक्शन का ग्राफ यहां से शुरू होता है, मतलब कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस कुछ होता है पाई बाय टू जितना, कितना पाई बाय टू जितना, फेज डिफरेंस मतलब कि एंगल डिफरेंस ओके। तो यहां से शुरू हुआ दिस इज योर पाई बाय टू, ये पाई, ये आपका थ्री पाई बाय टू, ये टू पाई, तो आपका कोसाइन फंक्शन है।